जल्दी करो धर्मू, सब लोग आ गए हैं। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। सारा जूतों काट रहा है। अरे भौजी, शहर वाली भौजी। अरे भैया, गांव में सबसे पढ़ी लिखी मुंबई जैसे शहर की लड़की से तूने शादी की है। भौजी बस भाग में लिखो सब मिल गई, अब तो पहली नजर में लट्टू है गए। अरे भौजी, कहाँ वो और कहाँ हम, ये तो सब भगवान की महिमा है। फिल्म वाले कह रहे वो हमें पसंद करती है, हमसे शादी करना चाहती है, हमने फौरन आ कहे। बहुत अच्छा किया भैया, मैंने उसे देखा है, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। अरे 40 गांव में ऐसी खूबसूरत दुल्हन किसी की भी नहीं होगी, नजर न लगे। अरे खुशी के समय क्या आप शुगनी करता है? अरे भौजी, तुम तो जानो बचपन में ही माँ बाप मर गए, उनकी तो सूरत यातना, मिलिट्री वाले चाचा जी हते थे गए पर अपने बन गए, मैं भी 15 वर्ष का छोड़कर चले गए। बस आप लोगों के प्रेम के सहारे जी रहा हूँ, आप लोग ना होते तो। घबरा मत भैया, वो हीरोइन आएगी तो तुम्हें सब की याद भुला देगी। धर्मू भैया। अबे कागो बंगाली, नदिया में बाढ़ आ गई या कुआं को पानी रुक गो। भैया खबर सुनोगे तो शरीर का सारा खून सूख जाएगा, वो दलाल का बच्चा सारे गांव को चूना लगा गया, तुम्हारी दुल्हनिया भाग गई। भाग तो चाहे क्या हो? नहीं भैया नहीं, डाक बंगले के मुंशी का लड़का मिला था स्टेशन से लौटते हुए बैलगाड़ी में, बताया कि फिल्म वालों को रेलगाड़ी में बैठा कर आ रहा हूँ। अब क्या होगा? ये तो बड़े धोखे की बात है। धोखा? ये तो बड़ी बेइज्जती है, बेइज्जती। अरे भाई, सबसे बड़ा मजाक तो हमारे धर्मों के साथ में हुआ। मजाक? दूसरे गाँव वाले धोखेंगे हमारे गाँव के नाम पर। मुंबई में कोई नटराज स्टूडियो है, वहाँ का पता लिखवाए रजिस्टर में। नटराज? भैया मुंबई के ताई गाड़ी कितने बजे की है? रात को जाती है, एक ही गाड़ी है, इतनी बड़ी मुंबई में कहाँ ढूंढोगे। मैं तो कहता हूँ छोड़ो। नहीं भैया, मिलिट्री वाले चाचा हमेशा कहा करते थे, धर्मू लूला लंगड़ा होके जी लियो, लेकिन यहाँ इज्जत चली जाए वहां मत रही हो। भैया जी, ये मकान की चाबी है, हनुमान जी वाले आर्य में कछु पैसे रखे हैं, मिठाई वाले या घोड़ी वाले दे दी। तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी, आकर दे देना। ना है भैया जी, पेट भर हुए के ताई तो हम कहीं भी कमा लेंगे, कर्जा रख के कहीं वापस ना आए तो ऊपर जाए के गति ना मिलेगी। ऐसा मत बोलो धर्मू भाई, मिलिट्री वाले चाचा की कसम, इस गाँव का पानी हम उसी दिन पियेंगे जिसने अपनी चोरियों के साथ आएंगे, वरना हम इस गाँव में कभी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं आएंगे भैया, कभी नहीं।
कपिजम्बुवलचारुभक्षणम् उमास्तम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। आइए बैठिए बैठिए। आज से तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो। चकाचक है जी, फूल है ना, फूल है जो हमारी खुशी में साथ दे रहे हैं। तुम पे निछावर होके, तुम्हारी सुंदरता पे निछावर है के, क्या कहते हैं जिन्हें वो जे ना कि कहाँ कर रही हो तुम, कहाँ कर रही हो? अपने भगवान के चरण छू रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। मिलिट्री वाले चाचा जिंदा होते ना तो फूल के गुब्बारा है गए होते ना। चाचा कहा करते जे जे ये शहर की छोरियां हुए ना, बिन में संस्कार ना हुए। अब देखो तुम तो सबसे बड़े शहर की मुंबई की रहवे वाली है ना, है? अब तुम में तो इतनी संस्कार है जो काऊ मंदिर में रहवे वाली देवी में होंगे। आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपके पैर दबा दूं।
गजब है जागो। मिलिट्री वाले चाचा की आत्मा कलप जाएगी। वो कहा करते सुहाग रात में पत्नी पति को नहीं, पति पत्नी को जब रहता है। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। दलाल, दलाल नहीं, मिस्टर दलाल उर्फ भाऊ का धक्का बोलो मिस्टर के पपैया। कितना अच्छा शॉट था नी, कितना खराब किया नी। मैं तो पहले ही बोला था ये गवार को इधर लेके क्यों आया। तेरी जात का डायरेक्टर मारू साले भटियार खाने के, साले ट्रैक्टर के नीचे डाल के खेत की खाद में ला दूंगा, माँ बाप हड्डी पसी ढूंढ चला जाएंगे। तुम तो गांव के राजा हो, इसका बाजा मत बजाओ भैया। अरे भैया जी कौन सा ठीक से बोले। मैं समझाता हूँ मिस्टर के पपैया, ये हमारी फिल्म का हीरो है। आहिस्ता बात करो, मैं समझता हूँ। आज इसकी न्यू मार्केट है, कोई मार्केट नहीं है, ये क्राफ्ट मार्केट है। आज जीरो है, कल हीरो बन जाएगा। अरे हीरो गया महावीर के नाले में, तो हमारी बात सुनो जी। दे रहा हूँ क्या है, तुम हमारे गांव में आए शूटिंग करने, तुमने मदद मांगी, हमने दी, तुमने ली, ली। अब तो फिर न्याका करो इतने। देखो जी, देखो जी, तुम बुरा मत मानियो, मत मानना। देखो तुम अन्य जा भैया पानी से मुँह मिलाओ। हाँ, हमने एक दूसरे को पसंद करो। हाँ, क्यों 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 जी किया किया। अबे तो फिर वो साला बड़ी पापड़ काय को टांग लगा रहा है। क्या कर रहे तू भाई साहब, बात ऐसी है, जरा कोने में आइए। अबे चक्कर घनी के तेरे साथ कोने में जाके क्या करूंगा मैं। भाई साहब बात ऐसी है कि यहाँ गर्मी बहुत है, जरा नरमी से काम लीजिए। कोने में आइए, कोने में आइए। हाँ खड़ा कंधे से तुम नहीं हो जी, पंडित जी ठंडे मत पड़ो ना। सुनो पंडित जी, ये हवन की आग होने दियो। ये वापस उल्टो चला जा रहा है, पंडाल को पैसा मैंने दो, मिठाई को खर्चा मैंने किया, बैंड वाले को पैसा मैंने दिया एडवांस। धीरे बोलो, धीरे क्या को बोलूं, बच्चों का को खाऊं मैं। इनकम टैक्स वाले सुन लेंगे, यहाँ सब चालू है, चलाने वाला चाहिए। बात ऐसी है, तुम तो गाँव वासी हो, शांति वासी हो, शांति से काम लो। ठीक है हम शांति से बात करते हैं। तुमने हमसे कहा गई, तुमने कही या शादी की शूटिंग करें। रील तुम ले जाओगे और दुल्हन हम ले जाएंगे। तुमने बोला कि ना दुल्हन तुम ले जाओगे, मगर ऐसा है ना कि शादी के बाद गोना होता है, गोने के बाद विदाई होती है। डाक बंगले में आना, घोड़े के ऊपर बैठकर और अपने घोड़े पर दुल्हन को बिठा कर ले जाना। तुम्हारी बात हमारी समझ में आएगी। आई ना समझ साला, ये बड़ी पापड़ आ जाने काई खुंगली कर रहा। अरे गधा है साला। अरे सुन लिया साले, तेरा आदमी तो गधा बोल लो। गधा डायरेक्टर है। अबे गधे तू, अरे नहीं वो, अरे अरे मैं गधा हूँ, फूल ले लो। अबे काई कुछ चिरान कर रहा है। अबे क्या साले ततैया काट गई तो दुल्हन। अबे आ जा रहा है, जा रहा है, चिंता मत कर। अरे जल्दी करो धर्मू, सब लोग आ गए हैं। अरे भैया गांव में सबसे पढ़ी लिखी मुंबई जैसे शहर की लड़की से तूने शादी की है। भाजी बस धाग में लिखो सब मिल गई, अब तो पहली नजर में लट्टू है गए। अरे भाजी कहाँ वो और कहाँ हम, ये तो सब भगवान की महिमा है। फिल्म वाले कह रहे वो हमें पसंद करती है, हमसे शादी करना चाहती है। हमने फौरन आ गए। बहुत अच्छा किया भैया, मैंने उसे देखा है, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। अरे 40 गांव में ऐसी खूबसूरत दुल्हन किसी की भी नहीं होगी, नजर न लगे। अरे खुशी के समय क्या आप शुगनी करता है। अरे भौजी तुम तो जानो, बचपन में ही माँ बाप मर गए, उनकी तो सूरत भी आसना। मिलिट्री वाले चाचा जी हते थे गए पर अपने बन गए। मैं भी 15 वर्ष का छोड़कर चले गए, बस आप लोगों के प्रेम के सहारे जी रहा हूँ। आप लोग ना होते तो। घबरा मत भैया, वो हीरोइन आएगी तो तुम्हें सब की याद भुला देगी। धर्मू भैया, धर्मू भैया, धर्मू भैया। अबे कायगो बंगाली, नदिया में बाढ़ आ गई या कुआं को पानी रुक गो। भैया खबर सुनोगे तो शरीर का सारा खून सूख जाएगा। वो दलाल का बच्चा सारे गांव को चूना लगा गया, तुम्हारी दुल्हनिया भाग गई। भाग तो चाह के आयो। नहीं भैया नहीं, डाक बंगले के मुंशी का लड़का मिला था, स्टेशन से लौटते हुए बैलगाड़ी में, बताया कि फिल्म वालों को रेलगाड़ी में बैठा कर आ रहा हूँ। अब क्या होगा, ये तो बड़े धोखे की बात है। धोखा, ये तो बड़ी बेइज्जती है, बेइज्जती। अरे भाई सबसे बड़ा मजाक तो हमारे धर्मों के साथ में हुआ। मजाक, दूसरे गाँव वाले धोखेंगे हमारे गाँव के नाम पर। मुंबई में कोई नटराज स्टूडियो है, वहाँ का पता लिखवाए रजिस्टर में। नटराज भैया, मुंबई के ताई गाड़ी कितने बजे की है। रात को जाती है, एक ही गाड़ी है, इतनी बड़ी मुंबई में कहाँ ढूंढोगे। मैं तो कहता हूँ छोड़ो। नहीं भैया,
मिलिट्री वाले चाचा हमेशा कहा करते थे, धर्मू लूला लंगड़ा होके जी लियो, लेकिन यहाँ इज्जत चली जाए वहां मत रही हो। भैया जी, ये मकान की चाबी है, हनुमान जी वाले आरे में कछु पैसे रखे हैं, मिठाई वाले या घोड़ी वाले दे दी। तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी, आकर दे देना। ना है भैया जी, पेट भरवे के ताई तो हम कहीं भी कमा लेंगे, कर्जा रख के कहीं वापस ना आए तो ऊपर जाए के गति ना मिलेगी। ऐसा मत बोलो धर्मू भाई, मिलिट्री वाले चाचा की कसम, इस गांव का पानी हम उसी दिन पियेंगे जिसने अपनी चोरियों के साथ आएंगे, वरना हम इस गांव में कभी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं आएंगे भैया, कभी नहीं। अब मैं घर वापस नहीं जा सकती, माँ बाप पहचान वाले, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सब्र करो बेबी, सब्र करो, आज तुम जिन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हो ना, कल वही नाकाबिल तुम्हारा मुंह देखने के लिए तरसेंगे। ये बात मैं 2 साल से सुनती आ रही हूँ, तुम्हारे कहने पर मैंने घर छोड़ा, 2 लाख रुपए लेकर भाग आई, फिल्म 2 रील बनकर बंद पड़ी है। बेबी शालू, यहाँ सब चालू है, बस चलाने वाला चाहिए, बाकी जरा टाइट है, फाइनेंसर नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब मैं मर जाऊंगी। तुम क्यों मरोगी, मरेंगे तुम्हारे चाहने वाले फैन, जब तुम्हारी फिल्म रिलीज होगी, जब तुम्हारे बैनर लगेंगे शालू दी ग्रेट ड्रीम गर्ल, जब तुम्हारे बारे में अखबार में खबरें छपेंगी कि एक दिल्ली का नौजवान शालू के इश्क में मुब्तला होकर दिल्ली की कुतुब मीनार की सीढ़ियां चढ़ते 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 ऊपर से गिरकर मर गया, मद्रास में एक पत्नी ने अपने पति को जहर दे दिया, इसलिए कि पति सोता तो अपनी पत्नी के साथ था लेकिन तस्वीर शालू की देखता था। बस करो, बस कर दिया। शायद ये दिन देखना मेरे नसीब में नहीं है। क्यों नहीं, यहाँ सब चालू है, बस चलाने वाला चाहिए, टेलीफोन भी चालू है। हेलो, दलाल स्ट्रीट उर्फ भाव का धक्का स्पीकिंग। ओह थैंक यू मिस्टर जोसेफ, क्या आज शाम को? यस 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 मैं आऊंगा। क्या वो मेरी हीरोइन को भी देखना चाहते हैं? यस, मेरी हीरोइन मिस शालू भी वहां पहुंच जाएगी। या ओके फाइन, चाओ। किसका फोन था? बेबी मैंने कहा था ना, यहाँ सब चालू है, चलाने वाला चाहिए, चक्कर चल गया। फोन था तुम्हारी खुश नसीबी का, मेरी बनने वाली फिल्म की गारंटी का। तुमने जैकी साहब का नाम नहीं सुना? जैकी? हाँ जैकी, बहुत बड़े आदमी हैं। अरे 10-12 लाख रुपए महीने की उनकी आमदनी है और वहाँ अपनी बात बनी है। जैकी साहब जिसको जैक लगा दे, समझो उसकी गाड़ी चालू। हेलो मिस्टर जैकी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज पहली बार मैं तुम्हारे क्लब से जीत कर जा रहा हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। जो कभी नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। जैकी साहब आ गए, अगर ये पट गया ना तो सारी इंडस्ट्री को पीट कर रख देंगे। ठहरो जैकी साहब, मेरा नाम दलाल स्ट्रीट उर्फ भाव का धक्का है, तो टेलीफंकन बात हुई थी ना वो। हाय हाय क्या थूका है। लड़की लाया? अरे लाया हूँ सरकार, वो बैठी है ना। लड़की अच्छी है? लड़की अच्छी है, अरे अनार का दाना है, ऊंचा घराना है, एकदम फ्रेश है, दूध की बोतल की तरह। हाय, अगर आपने इसकी फिल्म खींच ली ना तो मेरा फाइनेंस हो जाएगा, आपका रोमांस हो जाएगा और इसको चांस हो जाएगा, ये टॉप की हीरोइन होगी, दुनिया इसकी बॉटम में होगी। बेबी बाबा से मिलो, मेरा मतलब है जैकी साहब से मिलो, बहुत शरीफ आदमी है। हेलो, वो सब कुछ हो जाएगा दलाल, जो तुम चाहते हो, लेकिन एक मर्तबा इनको दुबई जाना होगा।
दुबई? हाँ दुबई में बेबी दुनिया भर की मलाई है, वहाँ जाने में तुम्हारी भलाई है। लेकिन लेकिन दुबई का फाइनेंस से क्या संबंध है? वहाँ की पार्टी फाइनेंस करेगी, लाखों का खेल है, एक मरतबा हीरोइन से मिलना जरूर चाहेंगे। देखने मिलने बेबी दो पैसे की हंडिया भी लेते हैं तो ठोक बजा कर लेते हैं, कब जाना होगा। इस गुड़िया को 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचा दो और सुनो सामान लेकर मत आना, उसका इंतजाम मेरे आदमी करते हैं। बेबी आओ, बन गया काम, हो गया नाम। रेलवे गोदाम में सारा माल पकड़ा गया है। कैसे? दरबान ने पार्सल नहीं निकलने दिया, पुलिस आ गई, हमारे 5 आदमी पकड़े गए। लेकिन वो दरबान तो हमारा खरीदा हुआ आदमी था ना। वो दरबान बदल दिया गया है, वहाँ एक पठान आ गया है। पठान हो, शैतान हो या भगवान हो, ये तीनों पैसों की आवाज पर नाचते हैं। हमारे एक आदमी ने रिश्वत देने की कोशिश की थी लेकिन। नाम क्या है उसका? प्यारे खान। खुदा की शान निराली है, वही हम सबका वाली है। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। वही खोची, खुदा के नाम का इतना सदका क्यों करती है? जान माँ को जान, ये लो। खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुमको भी सलामत रखे। खान आज तुम अपने खुदा को याद कर लो, क्योंकि तुम हम लोगों से आज बच कर नहीं जा सकते, समझे? ओए खबीस की औलाद, खुदा का मिजाज देख और खुदा का ये बंदा खान का मिजाज देख। वो सारी दुनिया को संभालता है और हम तुम जैसे खबीस की औलाद को संभालता है। खान, क्या तेरे को मौत से डर नहीं लगता? ओए मौत के नाम से तो शैतान डरा करते हैं, हम मुसलमान तो उसे ईमान कहते हैं। धर्म में अकबराबाद से आए, बड़े बात जात लोगे, अकेला देख के आपको मार रहे। हमारे गांव में ऐसा ना हो, हमारे काबुल में भी ऐसा नहीं होता है, खाली मुंबई में ऐसा होता है। जाता है वापस आओ, हम तुमको पेशावर का चिलगोजा और काबुल का अखरोट खिलाएगा, वापस आओ। डटजा डटजा बेटा, ज्यादा गुंडाई करेगा तो एक एक का तरबूज फाड़ दूंगा। अभी तो लठ मैंने आत्मरक्षा के लिए चलाया है। तुम कौन सी जन्नत का फरिश्ता है जो हमें यहाँ मदद करने के लिए आ गया? साहब हम फरिश्ता नहीं, हम धर्मू है, अकबराबाद से आए, 4 दिन आए गाड़ी में बैठे। वो हम समझे मगर हम तुम्हारे शुक्र गुजार है, लगता है तुम पहली बार मुंबई में आए हैं। इधर कोई जान पहचान वाला आदमी है क्या? ऐसा नटराज स्टूडियो अंधेरी पूरम, लगता है ये भी हीरो बनने के लिए आया है। अरे भाई अंदर का गुस्सा चला जा रहा है। बाबूजी नमस्ते। अरे बाबा ये नटराज स्टूडियो है, गाय भैंस का तो बैलानी, तो अंदर गुस्सा चला जा रहे, चलो बाहर। इज्जत से बात करो, ये हमारी ससुराल है, हमारी जोरू रहती है। क्या रहती है? जोरू हमारी धर्म पत्नी शालू। अरे
बाबा, यहाँ कोई शालू चालू नहीं रहती है, स्टूडियो है बाबा, यहाँ शूटिंग होती है, चलो बात। अरे देखता क्या है, कभी आदमी नहीं देखा क्या? इज्जत से बात कर। अरे तो क्या हम तुम्हारी इज्जत उतार रहे हैं, इज्जत से बात कर। अरे कर तो रहे क्या शरीफ से बात है? जरा मजे दे यार। अरे देता हूँ यार, चलो चलो बात। राम राम सर। राम राम सर। आपको नाम क्या है? कुमार शर्मा क्या है? चोटी है। मेरा नाम मोहन चोटी है। ना सर। नहीं नहीं, मैं मोहन चोटी यार। ना सर, मैंने आपको भी देखा है। देखा? अरे याद आ गो, मेला में बाइसकों में आपको देखो, बहुत हंसा है, बहुत हंसा है, आपने बहुत हंसा है। हंस लिया ना महाराज, अब बात जाइए जाइए। देखो तू हमसे तड़ी मत दिखाओ, अगर हम अड़ी पे आए गए तो निया नटराज से तुमसे तांडव करवा देंगे। देख लिया ना महाराज, देख लिया बदमाश को। ठहरो यार ठहरो, काम की बात हो, क्या बात है? साहब बात का चुना है, बात नए किसी है। जी देखो, हम बता रहे हैं। जी देखो, जहाँ पे लिखो है पता, नटराज स्टूडियो अंधेरी पूरा मुंबई। हाँ। जी हम किनते कह रहे हैं, हम नहीं आए, जे हमारा पता है। अब जे बेकार की हुज्जत किया जा रहे हैं। देखो साहब, जहाँ नटराज स्टूडियो में दलाल है था ना, दलाल प्रोड्यूसर। हाँ। वो हमारे गांव आए। अच्छा। वहाँ हमारा शालू से ब्याह करवाया और फिर बाहर फुसला के यहाँ ले आए। हाँ। देखो साहब, वो हमारे गाँव की हमारी इज्जत पे गोबर मल के आए, हम अपनी जोड़ियों लेवा आए, उसमें रोक रहे हैं। मोहन जी आपका शॉर्ट रेडी है। आप भले आदमी, मेरी बात सुनता हूँ सुनता हूँ। देखो तुमको शालू से मिलना, लेकिन शालू तो यहाँ पर नहीं है, वो तो चली गई। गांव गई? नहीं नहीं, लंदन गई। लंदन? साहब बड़ा गंदा नाम है जी। लंदन? विदेश, विदेश, फॉरेन। विदेश? हाँ, 2 महीने बाद वापस आएगी। 2 महीना बाद? सब तब तक तुम बहुत आती है जाऊंगो। सब आप वहाँ को अतो पतो दे दो, मैं नहीं चला जाऊंगा। अरे भाई तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है और 40,000 रूपए हवाई जहाज का किराया होता है। सरकार की इजाजत क्या जरूरत है साहब, चोरू हमारी है, सरकार की थोड़ी है। हम बात 40,000 की और हम पे 40 रुपया है। तुम एक काम करो, गाँव वापस चले जाओ। ना ना, हम गाँव ना जा सकत, आप ना समझोगे, हम है संभ्रांत परिवार की। साहब अगर गांव में बिना चूरू के जाएंगे तो हमारी नाक छोटी नहीं जाएगी है? पर साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, आपने हमसे इतना अच्छा व्यवहार किया है कि हमारी आत्मा प्रसन्न है गई। अरे एक जी गंजा दे। देखा साहब, देखा आपने? अरे ठहरो यार ठहरो, जरा ठहरो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? धर्म है साहब। धर्म? धर्म। देखो धर्मराज जी, इसमें इसका कसूर नहीं है, इसकी नौकरी ही ऐसी है। अब मैं जब हीरो बनने आया था ना, तो इसका बाप चपरासी था, उसने भी मुझे धक्के देकर बाहर निकाला था। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मैं चलता हूँ। राम राम। बहुत अच्छे आदमी है। अरे गाय को भी देख रहा है यार, है गधा है क्या तू? देख कितने बढ़िया आदमी है। अरे सीख ले कुछ मीठा बोलना सीख ले। अरे मेरे बाप, मैं सब सीख लूंगा इनसे। तू मेरा एक काम कर, अब तू चले जा। हम जाएंगे लेकिन 2 महीने बाद फिर आएंगे। अरे कौन कहता नहीं आना, फिर आ जाना, चले जा, पर अब तू जा। अच्छा अच्छा बोल तो जो अब। राम राम। राम राम। अरे भले मानस, पीवे को पानी आता है का? अरे मेरे बाप, वो देख रहे हो ना दुकान? पानी की दुकान जी। हाँ पानी की दुकान, उसके साथ वो तंग गली है ना, उसमें घुस जाना और आगे आएगा नल, नल नल नल, उसको खोल लेना और पानी पी लेना। अरे तुमसे बड़ो है, हमें गले लगा ले। अरे लग गया गले तेरे, बुरा मत ही माने, नाराज मत। नहीं मानता। देख हम 2 महीने बाद फिर आएंगे, पहचान लेगो? अरे पहचान लूंगा, अपने खानदान को तेरी फोटो दे दूंगा, सबके सब पहचान लेंगे। लेकिन अब तू जा यहां से। अरे बस तू मुस्कुराए दे, हंस दे, हंस दे। ना जाने कहां से चले आते हैं हीरो बनने के लिए, धर्म नाम क्या रख लिया, अपने आप को धर्मिंदर समझते हैं। बहुत प्यास लगी है। हाँ? प्यास लगी है, बुझानी है? हाँ। तेरे साथ आओ, तेरे साथ आओ, आओ आ जाओ, आओ। जयराम जी की आंटी आ गया तुम। कल जैसा धांधल नहीं मांगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कल हम जरा दुखी था क्योंकि हमारा गधा बीमार था, आज हम खुश है क्योंकि हमारा दोस्त साथ में है। चलो दोस्त। राम राम। टेबल इधर है, आओ आओ। दत्तू। हाँ
यहाँ पानी के ताई अलग अलग जाना पड़े। दोस्त ये मुंबई है, यहाँ हर काम के लिए अलग अलग जगह है। बैठो बिटको, एक बोतल लेके आ। बोतल या पानी बोतल में मिले? मिलता नहीं है, बिकता है, और उसके लिए ठन ठन गोपाल देना पड़ता है। चने के लिए नहीं है, ये फ्री। खा ले खा ले। शाबाश शाबाश, ले मार ले एक सांस में। क्या हुआ? कैसे हेलो है? कैसे हेलो? अरे समझो, मुंबई के चारों तरफ समंदर जाई मार पानी कड़वा है। नहीं समझदार है दद्दू। मिलिट्री वाले चाचा कहा करते होते हैं, धर्मू जे तू पढ़ो लिखो हो तो भारत वर्ष को नेता हो तो। अच्छा गिलास खाली कर, गिलास खाली कर। नेता तो समझे लेकिन तू अभिनेता जरूर बनेगा। अरे वो तो नौटंकी की है मैंने। नौटंकी की है? क्या बात है, वाह वाह। दोस्त तू बहुत बढ़िया आदमी है। ना दद्दू तू बहुत बढ़िया है, तेने मेरो गलत कर दो। ले और तू बहुत बढ़िया आदमी है, सच कहता हूँ मैं। वाह वाह वाह, तू बहुत बढ़िया है। नहीं 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 ना दद्दू तू बहुत बढ़िया है। अगर तू कहता है तो मैं बढ़िया हूँ बस। दद्दू ना जे तो साची कह रहा, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दद्दू जे तो खाली है, खाली हो गई और भी नहीं है। ए बेटको, ए आजा, पैसा है जेब में? पैसे की बात कर दे रहे, आज तो मैं सारी मुंबई खरीद लूंगा, तुम समझते क्या हो? ये पैसे 10 रुपया। हाँ। और दूसरी बाटली का पैसा कौन देगा? अरे मेरा दोस्त जो है यहाँ पर है ना। हाँ भाई, जिले भौजाई 5, 2, 7, 9, 10। और कितना मांगता है? बात करे पैसे की। चल गए। अच्छा दोस्त, मैं तो चला। जय राम जी की। मैं तो चला, रास्ता किधर? राम राम सर। आले में धरो है रस अरस। ए मैन, फोकट में धांधल नहीं मांगता, चलो जैसे। का कर रहा हूँ मैं तो गीत गा रहा हूँ लोग। इधर गीत वीत नहीं मांगता, चलो भागो इधर से, चलो उठो। मैं परदेसी सीधा सादा, कुछ बनने का लेके इरादा, छुक छुक से मैं बम्बई आया, देख के दरिया हिलचल छाया, हर मन सोचा प्यार तुझे कि ये न समझा, आग लगेगी देखो हाल हमारा, अरे मारा मुझको मार डाला, बम्बई के पानी ने। सीधा सादा, कुछ बनने का लेके इरादा, छुक छुक से मैं बम्बई आया, देखे दरिया मिल जाया, पर मैंने सोचा प्यार को देखी ये न समझा, आग लगेगी देखो हाल हमारा, पर मारा मुझको मार डाला, बम्बई के पानी ने। पानी में कैसी मिलावट
सच की एक नाथ ने लिखी धार ने ना तलवार ने पानी में कसी मिलावट की एक नाथ ने लिखी धार ने तलवार ने कहां गांव का प्यारा बनकट सूरज चमके घूंघट घूंघट और कहां ये रोता सानन छोड़ के जो आया गंगा जल सागर में अरे मारा मुझको मार डाला बम्बई के पानी ने भाई बम्बई के पानी ने मैं परदेसी सीता साधा कुछ बनने का लेके इरादा से मैं देख दरिया दिल छाया मैंने सोचा था बुझेगी ये न समझा आग लगेगी देखो हाल हमारा अरे मारा मुझको मार डाला बम्बई के पानी ने हाँ बम्बई के पानी ने ऊंचे से ऊंचे महल है मगर दिल तंग है बड़े संग है क्या रंग है भगवा क्या बात है ऊंचे से ऊंचे महल है मगर दिल तंग है बड़े संग है क्या रंग है बनने चला था मैं तो टाटा पड़ा जो मेरे सर पे बाटा भूल गया मैं सैर सपाटा जहाँ गया घाटा ही घाटा मुश्किल यहाँ पे गुजारा अरे मारा मुझको मार डाला बम्बई के पानी ने हाँ बम्बई के पानी ने मैं परदेसी सीधा सादा कुछ बनने का लेके इरादा से मैं बम्बई आया देखे दरिया दिल छाया मैंने सोचा प्यार तुझे कि ये न समझा आग लग देखो हाल हमारा अरे मारा मुझको मार डाला बम्बई के पानी ने हाँ बम्बई के पानी ने
तरह की कोई बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? 24 घंटे ऐसे ही निकल गए तो शायद ये मर भी सकते हैं। क्या? वैसे इन्होंने कितने दिनों से खाना नहीं खाया? जी पता नहीं, इनसे तो आज ही भेंट हुई है। अरे भले मानुष, पत्नी ढूंढने जिंदा रहना जरूरी, और जिंदा रहने के लिए खाना, इतना तो सोचा होता भैया। बहन जी सोचा तो तभी होता, जेब में कछु हो तो ना, तो फूटी कौड़ी ना, पेट कहाँ से भरतो। माँ, मामा जी हमारे साथ ही रहेंगे ना? हाँ बिटिया, बिल्कुल साथ रहेंगे, और जहाँ मैं काम करता हूँ ये भी मेरे साथ काम करेंगे। आप लोगों ने जितनी मेहरबानी की है वो का भैया, लेकिन तुमने जो हमारे लिए किया है उसका बदला हम जान देकर भी नहीं चुका सकते। चलो बात खत्म हो गई, आशा ने तुम्हें भाई कहा, इस नाते तुम मेरे साले हो गए, और जीजाजी के बाद कोई साला नहीं टाला करता। और मेरी बात भी कोई नहीं टालता मामा। हम भी नहीं टालेंगे अपनी भांजी की बात जीजाजी। हम अपनी मुन्नी की बात क्यों कभी नहीं टालेंगे। आओ रघु आओ, कुछ खबर मिली? कब आ रहे जैकी साहब हिंदुस्तान वापस? अरे जैकी साहब का क्या, जब दिल में आया आगे, जब दिल में आया चले गए, मगर काम तो चलता रहता है ना। हाँ। मानिक सेठ, तुम्हारे लिए एक और जरूरी काम लेकर आया हूँ। बोल। रेलवे गोदाम में माल उतरा है, आज रात को चुराना है। लेकिन वहाँ तो प्यारे खान की ड्यूटी होती है। प्यारे खान की आज छुट्टी है, हर जुमेरात को पीर साहब की दरगाह में रात भर कवाली सुनता है, और उसकी जगह पर जो आदमी है उसे हमने खरीद लिया है। अगर किसी ने ये सोच लिया, अगर किसी ने प्यारे खान को खबर कर दी तो काम इतनी सफाई से होगा कि किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। निगा ट्रक गोदाम में खड़ा होगा और उसका ड्राइवर होगा जिस पर हमारे साथी होने का कोई शक भी नहीं कर सकेगा। लगता है किस्मत मेहरबान है, एक और एक ड्राइवर भी नया रखा है। अरे इतनी भोली सूरत है उसकी, ये गलत लाइन का है कोई सोच भी नहीं सकता। जाओ ले जाओ माल, चला कागज ला। कागज? कागज तो तुम्हारे सेठ के पास होंगे। अभी तो डुप्लीकेट कागज ले आ, हमें बिना कागज के माल गाड़ी में पकड़ा गया तो मैं पुलिस में धर लिया जाऊंगा। ओ किस वहम में पड़े हैं बाबूजी आप, जाओ गाड़ी ले जाओ जल्दी से यहाँ से। अबे भैया तेरे पसीना क्यों आ रहा है? अबे बाकी गाड़ी में चोरी का माल तो नहीं है? ये सब तुम्हारे मालिक को पता है, तुम जल्दी से यहाँ से, कहीं प्यारे खान आ गया तो हम दोनों लॉकअप में बंद हो जाएंगे। प्यारे खान अपना पठान भाई? हाँ। धर्म, मैं कहता हूँ ट्रक ले जाओ। चोरी के माल से लदा हुआ ट्रक धर्म नहीं ले जाएगा सेठ? अरे कैसे नहीं ले जाएगा, तुम मेरे नौकर हो, पगार मैं देता हूँ। क्या माल है, किसका माल है, ये जिम्मेदारी तुम पर नहीं आती। देखो सेठ, मेहनत करने वाले के बाजू सलामत रहे तो नौकरी हजार, मगर खोटा कर्म धर्म नहीं करेगा। अबे क्या बकबक कर रहा है, जैसा सेठ कहता है वैसा कर, अगर तू नहीं करेगा तो तेरे दोनों बाजू तोड़ डालेंगे हम लोग। अरे गंजू, मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, डेरी फार्म का दूध पी के हमें धमकी दे रहे हो, अब ना तो हम जा ट्रक ले जाएंगे और ना ही कोई और ले जाएगा। जर्रई चाबी देखे कौन की अम्मा ने दूध पिलाया, चाबी उठाई कर ट्रक ले जाए। हो जाए भैया।
तुम्हारा नाम रूप खाने के बाद हमको पता चल गया कि शहर में तुम्हारी एक बहन और बहनोई है, मगर तुम एक देहाती से एक जेंटलमैन कैसे बन गया? ये सब हमारी दीदी और जीजा जी की मेहरबानी है, उन्होंने हमें नौकरी दिलवाई थी। तुमने पहले दिन फिल्म स्टूडियो का पता पूछा तो हम सोचा कि तुम कोई हीरो बनने के लिए आया है। ही बन गए थे गाँव में। क्या मतलब, हम समझा नहीं। एक लड़की थी शालू, बड़ी धूमधाम से शादी हुई, हम उसे सच समझ बैठे, पर यहाँ आके पता चला कि वो तो फिल्म की शूटिंग थी, नाटक था। अभी गांव में सभी लोग हमारी राह तक रहे होंगे कि हम अपनी पत्नी को लेके आए। ओए खोची, बेकर मत करो, खुदा हमेशा सच्चाई के साथ देता है। अगर तुम्हारी गन सच्ची है, तुम्हारी शालू तुमको मिल जाएगी। तुम एक काम करो, आप आ जाओ, वहां गंडे वाले पीर ने अगर दुआ कर दी तो तुम्हारे शालू खींच कर तुम्हारे पास चली आएगी। और धर्म, ये धागा इधर बांधो और दुआ करो, तुम्हारी शालू तुमको जरूर मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये मेरा दोस्त धर्म। सलाम। और ये इकबाल खान। नमस्ते। शहर के बहुत मशहूर कवाल है। सब ठीक सदका है खान भाई। 6 महीने पहले तो सड़कों पर बाजा बजाया करता था और इस दर पर मुराद मांगी और अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। प्यारे खान भारो। खोचे, किस गधे की आवाज है? धोबियों ने हड़ताल किया जो इतने गधे यहाँ आकर जमा हो गए। आज तुम्हारी धुलाई का दिन है प्यारे। ओए साले, तुम लोग किस घाट का धोबी है? ये जैकी दादा के आदमी है खान। शायद तुमने जैकी दादा का नाम नहीं सुना। जैकी ये भैया, ये नाम तो अंग्रेजी कुत्तों का होता है, तो क्या आजकल कुत्तों ने भी धजू कर दी? हम आते थे। लिया गया है। झगड़े के वक्त आप वहां पर नहीं थे, ऐसा हर गवाह कहेगा।
मानिक की मौत उसकी निजी दुश्मनी का नतीजा है, यह बात भी साबित कर दी गई है। प्यारे खान ने अगर आपका नाम लिया तो उसे भी समझा दिया जाएगा। पहली पेशी कब है? 15 तारीख को। योर ऑनर, वैसे तो यह सीधा साधा एक खून का मुकदमा है, लेकिन इसके लालच और खुदगर्जी की एक शर्मनाक कहानी छुपी हुई है जो मैं अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं। योर ऑनर, आसानी से हाथ आने वाली दौलत की लालच में आज का इंसान हैवान बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह अधर्मी इंसान है जिसका नाम है धर्म। 4 महीने पहले इस बड़े शहर में आया मानिक ट्रांसपोर्ट के मालिक श्री मानिक ने इस इंसान पर दया की और इसे अपने यहां नौकरी दी। जल्द से जल्द दौलत कमाने की लालच का मतवाला यह इंसान मामूली तनख्वाह पर कैसे जी सकता था। इस इंसान ने मानिक ट्रांसपोर्ट के मालिक श्री मानिक की दया और भरोसे का यह सिला दिया कि उन्हीं के ट्रक में चोरी का माल इधर उधर करना शुरू कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का क्या सबूत है कि मेरा क्लाइंट चोरी का माल इधर उधर करता था? इस बात पुलिस का रिकॉर्ड है योर ऑनर, जिसमें रेलवे गोदाम से माल चुराने की रिपोर्ट दर्ज है। और उसी रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि रेलवे गोदाम का माल ट्रक से ले जाने के लिए मालिक ने खुद कहा, लेकिन धर्म ने साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ धर्म का घर, और आपने जो कुछ भी कहा वो भी एक बयान है। ऑनर, पुलिस अब तक ये साबित नहीं कर सकी कि दोनों बयानों में से किसका बयान सही था और किसका गलत, इसलिए बयानों के बुनियाद पर किसी बात को अदालत में पेश सकता। बयान किसका सही है किसका नहीं, मैं ये साबित नहीं करना चाहता योर ऑनर। योर ऑनर, मैं तो सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि धर्म मानिक के यहाँ नौकर था, रेलवे गोदाम से माल ट्रक में लादा गया, उसकी वजह से इन दोनों में रंजिश पैदा हो गई और ये बात साबित होती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल। वो सिर्फ मानिक का बयान था, नौकरी से निकाल दिया गया, ख्वाहिशें मिट कर रह गई, किसकी वजह से? मानिक की वजह से। इसके तमाम सपने टूट कर बिखर गए, किसकी वजह से? मानिक की वजह से। योर ऑनर, इस इंसान ने मानिक को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका खून कर दिया। योर ऑनर, इसने मानिक का खून कर दिया। झूठ कह रहे हैं ये वकील साहब, झूठ बोल रहे हैं। मैंने जाकर को नहीं मारा है सर, मेरे दिल में ऐसा कोई विचार नहीं था, मेरे दिल में कभी पैसे का लालच छुआ ही नहीं। मैं तो जिससे प्यार करता था उसे लेने के लिए आया था जज साहब। मैं सच कहता हूँ जज साहब, ये वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने मालिक का खून नहीं किया है। हाँ सरकार, मैं मिलिट्री वाले चाचा की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं अपनी मुंह वाली बहन की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं मुन्नी की सौगंध खाकर कहता हूँ, पर साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया है। ये वकील साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने खून नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है। मिस्टर धर्म, अपने आप को काबू में रखिए, इस अदालत में कानून और सबूतों पर फैसले होते हैं, जज्बात और आंसुओं पर नहीं। प्रोसी, मुजरिम साबित करने के लिए मैं 2 सबूत पेश करूंगा योर ऑनर, 2 ठोस सबूत। पहला सबूत है ये चाकू जो पुलिस की कस्टडी में था, जिससे मानिक का खून हुआ, कातिल की उंगलियों के निशान है, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। और दूसरा सबूत है वो चश्मदीद गवाह, जिस आदमी को मानिक के ऊपर चाकू से हमला करते हुए देखा। गवाह अदालत में पेश किया जाए। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मंगलू सरकार, फुटपाथ पे ठेला लगा के कपड़ों को इस्त्री करता हूँ। इस आदमी को पहचानते हो? वाले दिन से पहले मैंने कभी नहीं देखा। मंगलू जी सरकार, जो कुछ भी तुमने देखा है उसे अदालत के सामने बयान करो। हम कपड़े को इस्त्री कर रहे थे सर, कि लड़ाई और झगड़े की आवाज सुनाई दी, और फिर हमने देखा कि मरने वाले और इनके बीच में झगड़ा हो रहा है, और बीच में इनकी मदद कर रहा है, अचानक इसने चाकू निकाला और मरने वाले के पेट में घोंप दिया। योर विटनेस। अभी अभी तुमने कहा कि धर्म और मरने वाले के बीच में झगड़ा हो रहा था और प्यारे खान धर्म की मदद कर रहा था। हाँ सरकार। यानी कि धर्म और प्यारे खान दोनों मिलकर मरने वाले को मार रहे थे? जी जी हाँ। तो इसका मतलब यह हुआ कि मरने वाला इतना ताकतवर था कि वो पहले प्यारे खान का सर फाड़ दे और फिर धर्म से भी लड़ता रहे। प्यारे खान का सर तो उसके साथियों ने फाड़ा था सरकार। किसने फाड़ा था? उसके साथियों ने। साथियों ने? जी। बड़ी हैरानी की बात है मिलोर्ड, किसी भी साथी को अदालत में पेश नहीं कर। वो भाग गए।
ये धर्म और मानिक की दुश्मनी को तो खूब उभारा गया, लेकिन मानिक अपने साथ कुछ गुंडे लाया था, इस बात को बिल्कुल दबा कर रखा गया। चैकी, मानिक, गुंडे प्यारे खान को मारने के लिए वहां आए, झगड़ा हुआ जिसमें मानिक जख्मी प्यारे खान को जान से मार देना चाहता था, उसे रोका धर्म ने, और उस रोकने की कोशिश में मानिक को चाकू लग गया। इस बयान का सबसे पहला झूठ तो यही है योर ऑनर कि हादसे वाले दिन जैकी में मौजूद ही नहीं, वो तो बंगलोर में रेस खेल रहा था, और इसका सबूत कोर्ट की फाइल में मौजूद है योर ऑनर। माना जाए कि जैकी के नामौजूदगी का सबूत आपके पास है, लेकिन मानिक गुंडों के साथ वहां आया था, यह बयान आपका चश्मदीद गवाह इस अदालत में दे चुका है। खुद किसके गुंडों के साथ आए हुए मानिक के दिल में या धर्म के दिल में यह बात साबित नहीं हो सकती जब तक वो गुंडे नहीं मिल जाते और जख्मों से चूर अस्पताल में पड़ा हुआ प्यारे खान अपना बयान ना दे दे। अदालत वकील सफाई की इस बात से सहमत है, अगली पेशी तक प्यारे खान का बयान और वो गुंडे अदालत में पेश किए जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। घबराओ मत भैया, तुम बच जाओगे। हम बड़ी से बड़ी अदालत तक जाएंगे। चलो जैकी के साथी ने हम पर हमला, हमारे सर पर लाठी बरसाई और हम बेहोश हो गए। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारे साथ में धर्म नाम का एक दोस्त भी तो था ना? धर्म? जी इंस्पेक्टर साहब, उसको तो कुछ नहीं हुआ ना? उसने मानिक नाम के एक आदमी का खून कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, खून नहीं कर सकता। तुमने धर्म के हाथ में चाकू देखा था? मैंने धर्म के हाथ में कोई चाकू नहीं। योर ऑनर, वो चाकू प्यारे खान के होश होने के बाद धर्म ने निकाला था। ये महज आपका अंदाजा है। मिलोर्ड, प्यारे खान ने अपने बयान में दुश्मनी की कोई बात नहीं की। मैं मानता हूं योर ऑनर कि प्यारे खान का बयान इस बारे में कुछ नहीं है, लेकिन चाकू की मौजूदगी, उंगलियों के निशान और मानिक का खून मेरे अंदाजे को हकीकत के काफी करीब ले जाते हैं। करीब ले जाते हैं, साबित नहीं करते। बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत नतीजे पर पहुंची है कि धर्म और प्यारे खान ने गलत बयानात देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। लिहाजा अदालत प्यारे खान को चेतावनी देती है कि आइंदा अदालती कामों में गलत बयानों से काम न ले, और धर्म को मानिक के कत्ल के जुर्म में ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। नहीं, हमारे दोस्त को सजा नहीं हो सकती, हम उसे सजा नहीं होने देंगे। उसके साथ भी ना इंसाफी हुई है। क्या कर रहे हो खान? जाएंगे पर मुझे। हाँ, चलो खान, क्या कर रहे हो? मेरा दोस्त बेकसूर है। कसूर है वो? हाँ, बेकसूर है खान। <यार। laughs> धर्म, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। मैं कोई वकील या पुलिस का बड़ा अफसर नहीं हूं, मेरा नाम राणा है।
तुम चाहो तो मुझे अपना दोस्त भी समझ सकते हो। वकील और पुलिस ऑफिसर ने जो कुछ करना था वो कर दिया। दोस्त बनकर आप क्या देने हैं? देने नहीं बल्कि तुमसे कुछ मांगने आया हूं। सरकार के पैसों से बने पत्थर और सलाखों के बीच में रहने वाले फांसी के कैदी के पास कुछ देने के लिए है क्या? है। तुम मैं चाहता हूं तुम एक लड़की से शादी कर लो। वाकई आप अच्छे दोस्त हैं। महीनों के बाद आपने हंसा। ये मजाक नहीं हकीकत है दोस्त। हाँ हंसी पर चढ़ने वाले कैदी के साथ शादी करने का ख्याल हकीकत हो सकता है? ये शादी नहीं एक नाटक होगा जिसे खेलना उस लड़की के लिए बहुत जरूरी है। देखो दोस्त तुम तो मरने ही वाले हो। वक्त में किसी का भला हो जाए तो क्या बुरा। देखो तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश ये जाहिर करो कि तुम शादी करना चाहते हो। जिस लड़की से शादी करना चाहते हो अगर वह भी राजी है तो कानून कोई एतराज नहीं कर सकता। हाँ आखिरी ख्वाहिश से उस लड़की को कितना फायदा हुआ? मतलब सीधी सी बात मेरी आखिरी ख्वाहिश की कीमत क्या होगी? मौत की मचान पर चढ़ने वाले को दुनियावी कीमत की क्या जरूरत है? जरूरत है उनके लिए जिन्होंने मुझे मौत की मचान से बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। क्या चाहते हो तुम? रुपया 5 लाख। बहुत ज्यादा है राणा साहब। ख्वाहिशों के लिए इंसान अपना धर्म ईमान सब कुछ बेच देता है। मेरी तो आखिरी ख्वाहिश है इसकी कीमत तो 5 करोड़ भी कम है। ओके। राणा इतनों के बाद हमारी याद आई। यदि तुम खास आदमी हो इसलिए तुम्हारी याद तभी आती है जब कोई खास काम हो। आज कौन सा खरा मान पड़ा? 5 लाख रुपए लेकर एक आदमी जेल से निकल रहा है। तुम उसे आधा तुम्हारा आधा मेरा। ये जेल में सजा की जगह रुपया कब चलने लग गया भाई? जैकी एक सौदा है जो के अंदर हो रहा है। दरअसल बात यह है कि जिस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ उसी कंपनी के मालिक की लड़की का नाम रश्मि है और उसकी शादी एक फांसी के कैदी से हो रही। समझ में नहीं आता अनुजकर अपनी जवानी को विधवा क्यों बनाना चाहती है? इस क्यों का मतलब आप तब तक नहीं जान पाएंगे तक आप किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे। जिंदगी का आदर्श है उनकी पत्नी बनकर एक जिंदगी तो क्या मैं अपनी 100 जिंदगी उन पर कुर्बान कर सकती हूँ। हर साहब बेटी मोहब्बत के इतिहास में ऐसी मिसाल और ना शायद लिखी जाए। आओ बेटा आप दोनों इस पर दस्तखत कीजिए। कितनी अजीब सिचुएशन है। शादी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। लोग तोहफे देते हैं मुबारकबाद देते हैं लेकिन इस वक्त इन्हें मैं विधवा होने की मुबारकबाद दूं या आपको फांसी लगे। मुबारकबाद के हकदार मैं तो इस खुदगर्ज चला जाऊंगा मगर तमाम से विधवा के कफन में लिपटी हुई मरते दम तक मोहब्बत बुलंद करेंगी। ख्वाहिश के मुताबिक आप दोनों को इस कमरे में आधे घंटे के लिए तन्हाई दी जाती है।
आइए। मैं आधे घंटे में रुपए को इंतजाम करके इसके आदमी को दे आता हूँ। यहाँ कहेगा कि उसे रुपए मिल गए, तब तक तुम्हें इसके पास रहना पड़ेगा, शर्त है। पर अंकल, एक खूनी के साथ मैं अकेली? आदमी लीफ है और उसे भी कमरे के बाहर सिपाही है। मैं अभी आता हूँ, जल्दी आना। आपने किसी का खून किया था? आप हंस क्यों रहे? इसलिए कि दुनिया में पहली बार किसी दुल्हन ने शादी के फौरन बाद दूल्हे से ये सवाल किया हो। पता नहीं क्यों दिल मानने को तैयार नहीं कि आप खूनी हो सकते हैं। संभालिए अपने दिल को, रजिस्टर पर दस्तखत होते ही कुमिश से हमदर्दी होने लगी। मैं तक कहीं प्यार ना करने लगे? प्यार मैं किसी और से करती हूँ। तो फिर शादी क्यों नहीं की उससे? मजबूरी। छोड़िए मेरी बातों को, आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? क्यों नहीं, बात तो सही है। जाना उसी के बारे में जाता है जो जाने वाला हो। क्या जानना चाहती है मेरे बारे में? क्यों भाई, तुम लोग किसी देव को जानते हो जो ठेला चलाता है? जी कहिए। अच्छा तो तुम ही हो। देखो भाई, मैं धर्म का दोस्त हूँ। धर्म मरने से पहले तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता है। धर्म? मेरी मदद? मैं समझा नहीं। सब समझ में आ जाएगा, तुम पहले मेरे साथ उसके पास चलो। आओ। अरे आओ, घबराओ नहीं। धर्म, ये सब क्या है? धर्म, ये कहते हैं तुमने पैसे भिजवाए हैं। भगवान के अभी थोड़ा इंसाफ बाकी था, इसलिए उसने इन लोगों को यहाँ भेज दिया। ले लीजिए रुपए। लेकिन ये इतने रुपए दे क्यों रहे हैं? मिलिट्री वाले चाचा ने ये भी कहा था, हाथी मर के 1.25 लाख का होता है। फिर तुम्हारे भाई की कीमत तो उसे कई गुना ज्यादा मिल रही है। भाई, भाई की कीमत को लेता है पगले? हर्षा सुन लेगी तो? दीदी का जिम्मा मेरा है, ले जाएंगी, मैं समझा दूंगा। इनकार मत करो कि मौत को आसान कर दो। दीदी से कहना जरा सच, उन्हीं को भी सजा कर रहे, और तुम भी जरा अच्छे कपड़े पहन के आना। जाते हुए मैं तुम सबकी खुशहाली की तस्वीर लेके जाना चाहता हूं। बेटी, नंदी और राजू अमेरिका जा रहे हैं, इसलिए तुम फौरन एयरपोर्ट जाओ और जाते हुए रास्ते में इनको छोड़ देना। मैं कोर्ट से होकर घर आऊंगा। आइए। एक मिनट, मैं फूल लेकर आती हूँ। जी।
कहाँ चले गए? दीदी तुमसे मिलने आई है। पापी का नाश करे जिसने लुहाग लूट लिया और मेरी बेटी को अनाथ बना दिया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो। निगाहें करम ऐसा
हो इधर भी निगाहें करम। मेरे दिल में है अंधेरा, कोई शम्मा तू जला दे। मेरे दिल में है अंधेरा, कोई शम्मा तू जला दे। रहमतों के सदके मुझ रास्ता दिखा दे। मैं क्या भी है आस्ताना तेरा, अल्लाह के प्यारे मेरी रीढ़ी बना है। मेरी जब भी है आस्ताना तेरा, अल्लाह प्यारे मेरी रीढ़ी बना। अल्लाह मौला, अल्लाह मौला, अल्लाह का वास्ता है, लिशे उदा का वास्ता है। मुझे हसनैन का सदका अता कर, कभी भी फातिमा का वास्ता है। तो पहले अंजतन फरियाद सुन ले, किसी के दर्द की रुदाद सुन ले। मेरी नाव है भंवर में, मुझे पार तू लगा दे। दाता जब भी है आस्ताना तेरा, अल्लाह के प्यारे मेरी बिगड़ी बना। मेरी जब भी है आस्ताना तेरा, अल्लाह के प्यारे मेरी बिगड़ी बना। अल्लाह मौला, अल्लाह मौला, अल्लाह मौला, अल्लाह मौला। मेरे आका दुहाई, मुझे भी कैद गम से दिलाई। मेरी भी इल्तिजा मंजूर ले, तेरे दर पर तो झुकती है खुदाई। सहारा तेरे दामन का लिए, के हाले गम तुझे समझा दिया है। मेरे हाल पर करम, मुझे बड़ क्या सिरा दे। दाता मेरी जब भी है आस्ताना तेरा, अल्लाह के प्यार बिगड़ी बना। दाता मेरी जब भी है आस्ताना तेरा, के प्यार बिगड़ी बना। अल्लाह मौला, अल्लाह मौला, अल्लाह मौला, अल्लाह मौला।
तस्वीर पल में बिगड़ जाती है हर जंजीर पल में करम तेरा जिसे रखता दिखाए उसे गर्दिश कोई कैसे सताए तेरी रहमत का हो तेरी इशारा मिले तो मन ही बनकर नारा हमेशा बेकसों की लाज रखे तो की लाज रखे जब भी है आस्ताना तेरा अल्लाह के प्यारे मेरी बिगड़ी बना दाता मेरी जब भी आस्ताना तेरा अल्लाह रे मेरी बिगड़ी बना अल्लाह 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 कैसे चली गई हवलदार जी सर देखो अभी देखता हूँ अरे जल्दी करो कहाँ क्या वो हाँ रुक जाओ मोटरसाइकिल तो मिल गई लेकिन धर्म की लाश नहीं मिली हो सकता है वो बच गया हो इम्पॉसिबल आर यू श्योर जी हाँ क्योंकि नदी का वो हिस्सा जहाँ वो गिरा था वो दलदली है उसके अलावा मेरे पिस्तौल की गोलियां भी उसको लगी थी तो मैं इस केस की फाइल बंद करता हूँ रास्ता दिखाने वाले कौन हो तुम जिसे रास्ते में तुम छोड़ आई थी मैं नहीं 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 जिसे खुद रास्ता छोड़ गया हो वो किसी को क्या रास्ते पे छोड़ेगी मुझे वहां सोफे तक छोड़ दो प्लीज Thank you.
एक गोली और दो ना प्लीज जैकी डार्लिंग। गोली जैकी, किसी और की तकदीर बन चुकी है धर्म। तुम्हारी तकदीर सिर्फ तुम्हारे मकसद के लिए है। दीदी आपके वास्ते तीन बार फोन आया था। किसका फोन था? राज साहब बोल रहे थे। राज साहब बोल रहे थे जी? क्या बोल रहे थे, कहाँ से फोन किया था? ये तो मालूम नहीं, कह रहे थे काम से जा रहा हूँ, बाद में खुद ही फोन कर लूंगा। समझती थी मेरे जीजा को डस के तू बच जाएगी, मेरी दीदी को विधवा का कफन पहनाकर तू खुश रहे, मेरी मुन्नी को यतीम बनाकर तू खुश रहेगी। तुम मुझे गलत समझ रही। मैंने मौत की दहलीज पर पांव रखकर अपनी बहन की खुशियों के लिए शादी का सॉन्ग रचा, तुमको मातम में बदल दिया। तूने सोचा होगा धर्म फांसी के फंदे पर लटक के मर गया होगा, लेकिन मैं अपनी मौत मुंह मोड़कर आज तेरे लिए मौत बन कराया। भगवान के लिए मेरा विश्वास करो, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तू जैसी औरत दौलत के लिए फांस चढ़ाने वाले कैदी के साथ है, तो दौलत के लिए किसी का खून भी कर सकती है। मैंने जरूर दौलत के लिए तुमसे शादी की, लेकिन मुझे दौलत की कोई लालच नहीं। किसी की जिंदगी को बचाने के लिए ना बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ सुनने के बाद भी तुम मुझे दोषी समझते हो तो तुम्हारे दिल में जो भी है कर लेना। मेरी जिंदगी का मकसद है अपने जीजा जी का कातिल को अपने हाथों से सजा दूं। मैं वो अदालत नहीं जब झूठे सबूतों पर सजा दी जाती है। मेरी अदालत में तुम्हें सफाई का मौका जरूर मिलेगा। मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम है राज, वो भी मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन हमारी चाहत के बीच मेरी अमीरी और राज की गरीबी दीवार बन गई थी। राज पुलिस के नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था, मैं और डैडी उसका इंतजार कर रहे थे। ओह डैडी, मैंने कहा था ना उस इंटरव्यू के लिए जाना था, वहां पर देर भी हो सकती है। नमस्ते। नमस्ते। माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। रश्मि चाय का बंदोबस्त करो। जी। इंटरव्यू हो गया? जी हाँ। कितनी पे मिलेगी? इतनी तो जरूर मिलेगी। तुम्हारी एक बहन भी है? जी हाँ, एक बहन, एक छोटा भाई और माँ, बस यही मेरी दुनिया है। बहन की शादी के लिए काफी रुपयों की जरूरत पड़े। आप कह रहे क्या चाहते हैं? ये 5,00,000 रुपए का चेक है। मेरा ख्याल है इससे तुम अपने घर वालों की सारी जरूरतें पूरी कर सकते हो। किस बात की कीमत दे रहे हैं आप? रश्मि की बेवकूफी की, जिसे वो मोहब्बत का नाम देती है। देखो राज, मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए करोड़ों रुपया कमाया है, अमीरी की इज्जत में उसकी परवरिश की है। और गरीबी की दुनिया में वो रह नहीं सकेगी, यही कहना चाहते हैं आप? तुम काफी समझदार हो, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी दूसरे शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करो। मशवरे के लिए शुक्रिया। रश्मि से मैंने मोहब्बत की है साथ जीने मरने के लिए, सौदा करने के लिए नहीं। नमस्ते।
क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? डैडी? सर जी? डैडी? डैडी? ओ डैडी? सबसे काम लो बेटी, मौत जिंदगी की मंजिल है। जो एक बार मंजिल पर पहुंच गया वो वापस नहीं आ सकता। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें अपना रास्ता संवारने की कोशिश करनी चाहिए बेटी। आप ठीक कहते हैं अंकल, जो लोग रास्ते में हैं उनके रास्ते को संवारना बहुत जरूरी है। राज का छोटा भाई राजू अब अस्पताल में है और अगले हफ्ते उसे ऑपरेशन के लिए अमेरिका जाना है। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर छोड़ती हूँ अंकल। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बेटी, लेकिन जहां तक रुपए पैसों का सवाल है वो तो तुम। रुपए पैसे की कोई कमी तो नहीं है? कमी तो नहीं है बेटी, लेकिन तुम्हारे डैडी का जितना पैसा है उसे फिलहाल तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, क्यों नहीं कर सकती? अब मैं क्या कहूँ बेटी, तुम खुद पढ़ लो। मैं मदन लाल वल गौरी शंकर अपने पूरे होशो हवास में वस करता हूँ कि मेरी सारी जायदाद उस वक्त मेरी बेटी को दी जाए जब वो मेरे दोस्त और मैनेजिंग डायरेक्टर राणा के पसंद के लड़के से शादी कर ले। ये शादी भी उसे 15 दिन के अंदर करनी है, वरना 16वें दिन मेरी पूरी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। मदन लाल और राणा अंकल ने तुम्हारे साथ मेरी शादी का सौदा कर दिया। उस दिन तुम्हारे जीजाजी हमारे साथ ही जेल से निकले थे, लेकिन फूलों की दुकान से वो अचानक कहीं गायब हो गए। राजू को इलाज के लिए अमेरिका जाना था, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था। जब मैं एयरपोर्ट से घर वापस आई तो मुझे खबर मिली, राज का पता चल गया है और वो आने वाला है। और अभी मैं ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इतने में एक ब्लैकमेलर का फोन आ गया। उसने 5 लाख कीमत मांगी है इस कैसेट की। क्या है इसमें? इसमें तुम्हारे जीजाजी के कातिल के बारे में दिखाया गया है। आप रश्मि मेन साहब घर पर हैं? जी हाँ, आप बैठिए। जो भी हो उसे चलता करो, अगर मेरे बारे में कुछ बताने की कोशिश की तो। राज? हेलो रश्मि, डैडी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। अफसोस कि वो मुझसे नाराज थे, काश मैं उनसे। होने को कौन टाल सकता है। तुमने राजू के ऑपरेशन के लिए बहुत तकलीफें उठाई, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अब तुम जाओ। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, सिर्फ थकान है, थोड़ा सा सो लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ लेकिन। तुम जाओ, मैं कल घर आ जाऊंगी। ओके, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय बाय। आपके जीजाजी को मारा होता तो ये फिल्म नहीं खिंचवाती, जो मुझे उसी फंदे तक पहुंचा सकती है जिसे आप भाग कर रहे हैं। ये काम राणा का भी तो हो सकता है। राणा अंकल का? नहीं, उनको तो मैं बचपन से जानती हूँ, उन पर मेरा उतना ही भरोसा है
जितना मुझे अपने आप पर है। ये भी तो हो सकता है कि राणा के मुंह से ये बात किसी के सामने निकल गई हो। अभी राणा कहाँ है? वो कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं, आज कल में लौटने वाले हैं। इसका मतलब जब तक राणा या ब्लैक मिरर का फोन नहीं आता मैं कुछ नहीं कर सकता। दरअसल हम दोनों की मंजिल एक है, आपको अपने जीजाजी के कातिल की तलाश है और मुझे ब्लैक मिलर की। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। सबसे पहले मुझे अपनी दीदी से मिलना है। वो हमारी वर्कर कॉलोनी में रहती है। आपके जीजाजी के मौत के बारे में जानकर मैंने उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी और रहने को घर भी दिला दिया है। मेरी दीदी को सहारा देकर आपने मुझे खरीद लिया है, अब तो मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कहता हूँ बता, बता अभी जीजा जी का खूनी कौन है? मैं कुछ नहीं जानता। खोजे हमारा नाम प्यारे खान है। खुदा ने अपने बंदे को इतनी ताकत दी है कि इंसान तो इंसान शैतान से भी सच कबूल करवा ले। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता। सिर्फ तू जानता था। जीजा जी पैसे लेकर निकले हैं, वो पैसे गायब थे। इसका मतलब है कि पैसे तूने छीने और उनका खून कर दिया। खुदा कसम अगर तूने उसका खून किया है तो हम तुम्हारा खून भी जाएगा। बोल कुत्ते ही बोल। बोल रहा तुझे बोल। धर्म पुलिस आ गई। बोल मेरे जीजा जी का खून किसने किया? नहीं मैं नहीं जानता। पुलिस आ गई, छोड़ो इसे। बोल कौन है कातिल? बोल बोल। चलो धर्म चलो। मैं इस पुलिस आ गई मैं जाऊँ। चलो चलो। रुक जा धर्म। भाई मेरी बेटी आज ही ऊटी से आई है, कल सुबह उसे लेकर मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। जाने से पहले मेरा जैकी से मिलना बहुत जरूरी है। ओके बाय। अरे बेटी ये क्या कर रही हो इस वक्त? स्विमिंग करूँ बस थोड़ी देर पापा, बहुत गर्मी है। हेलो राणा। अरे जैकी आओ आओ। सुनो वो कैदी प्यारे और धर्म यहाँ पर आए थे और उनके पीछे पीछे पुलिस भी यहाँ पर आई थी। तुम जानते हो? और सिर्फ तुम जानते हो कि ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पुलिस तुमसे कुछ बुलवा नहीं सकती, धर्म और प्यारे खां से तुम कुछ छिपा नहीं सकते, इसलिए तो मैं बेंगलोर जा रहा था। गलत जगह जा रहे हो। चलो हम तुम्हें उस जगह भेज देते हैं जहां पर हमेशा के लिए तुम्हारी जुबान बंद रहे। सर मुझे यकीन है कि राणा का खून धर्म और प्यारे खान ने ही किया है। मैं जल्द से जल्द उन दोनों को पुलिस की हिरासत में देखना चाहता हूँ। तुम कब आए? तुमने कल आने का वादा किया था। I'm sorry, मैं किसी काम में फंस गई थी। आज राजू आ रहा है। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। एयरपोर्ट चलोगी? नहीं राज, आज शाम को मुझे कहीं जाना है। कहाँ? वो मेरे एक सहेली के वहाँ। तुमने धर्म से शादी क्यों की? मैं आज जेल गया था। वो शादी एक मजबूरी थी राज। भारत की बेटी अपने धर्म और संस्कार को भूल जाए, मैं उस मजबूरी के बारे में जानना चाहूंगा। मजबूरी थी राजू की बीमारी और डैडी की वसीयत। अगर मैं ये शादी नहीं करती तो डैडी की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती और राजू का इलाज भी नहीं हो पाता। मुझ पर भरोसा रखो राज, तुम्हारे सिवा
ना तो मैंने किसी और को अपना माना है और ना ही मैं किसी की हो सकती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रश्मि, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस वक्त तुम्हें बता भी नहीं सकती। मुझे मजबूर मत करो राज, प्लीज। ओके, तुम्हें प्यार करने वाला राज तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, लेकिन अगर बातें इंस्पेक्टर राज की ड्यूटी के सामने आ गई तो प्यार करने वाला राज खुद मजबूर हो जाएगा। हेलो, मैं धर्म बोल रहा हूँ, एक टेलीफोन नंबर याद कर लो, 5354555। यहाँ पर प्यारे खां के नाम जो मैसेज दोगी हमें फौरन मिल जाएगा। लेकिन तुम हो कहाँ? और राणा अंकल? राणा की मौत से साबित हो गया है कि ब्लैकमेलर और कातिल कोई और है। मुझे उसका फोन आया था, 5,00,000 रुपया लेकर 3 स्टार क्लब में बुलाया है। मैं और प्यारे खां वहाँ पहुँच जाएंगे। Thank you.
कानपुर वाले? शुक्र है तुमने आज मुझे पहचान लिया। आज? हाँ, मैं एक बार पहले भी तुम्हें इस घर में मिल चुका हूँ। इस कबर्ड से एक जोड़ा कपड़े और एक पिस्तौल चुराई थी। अच्छा, तो वो चोर तुम? मैं चोर बना मजबूरी से, लेकिन तुम तो शायद अपने शौक और लालच की वजह से चोर बन गए। मैंने क्या चोरी की? वो बैग जो रश्मि ने हॉल के टेबल पर रखा था, जिसे तुमने उठाया। उस बैग से तुम्हारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक बैग से नहीं, बैग लेने वाले से है, जिसने मेरे जीजाजी का खून किया है। अरे जीजाजी? हाँ। मेरे मुंह बोले जीजाजी, जिनकी पत्नी को अपनी बहन माना, जिनकी बच्ची मुझे मामा कहती है, जो मुझे अकेले की जिंदगी में आए, मुझे अपना बना लिया और आज अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्या हुआ तुम्हें शालू? डॉक्टर को शालू? कुछ नहीं होगा, उसे कहा था गोलियां खाना बंद कर दो, मैंने और खानी शुरू कर दी। बुज़दिल हो ना, आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं, मौत की जरूरत है। नहीं, शालू। एक मिनट, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारे जीजा जी का खून क्यों हुआ, लेकिन वो बैग मैंने जैकी को दिया था। हेलो इंस्पेक्टर राज है? धर्म बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। धर्म, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कर दूंगा इंस्पेक्टर, जीजाजी के कातिल और अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल करने के बाद। लेकिन ये काम कानून का है। कानून का काम मैं देख चुका हूँ इंस्पेक्टर, फिलहाल तो जैकी के कुछ पते नोट कर लो, वहां आपके कानून को बहुत गैर कानूनी मिल जाएगा। आपके नाम का वारंट निकला है चीफ, हमारे टॉप सर्कल के लोगों ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। ये लो, पसीना पहुंच लो, वारंट निकल गया है। कौन सा फांसी का फंदा गले में लटक गया है? हेलो, जैकी बोल रहा हूं मैं। एक घंटे के अंदर अंदर 50 लाख रुपया लेकर 3 स्टार क्लब में आ जाओ। सोच लो, देर की तो सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसने में कट जाएगी। गुड गुड, तैयार रखो, रुपया मिलते ही बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। तेरे खान और धर्म बीच में आ गए तो? उनकी मौत ने बुलाया है तो वो दोनों बीच में जरूर आएंगे। तुम बोर्ड तैयार रखो। सर, रश्मि से जो बातचीत फोन पर हुई है, एक्सचेंज ने उसे रिकॉर्ड किया है, ये रहा उसका टेप। जल्दी कम ऑन, खत्म कर दो इसको। जल्दी फास्ट।
दफा 302 के तहत यह अदालत जैकी को सजाए मौत और धर्म को बाइज्जत बरी करती है। धर्म, उसे क्या मेरी जबी है आस्थाना तेरे।